कैफे बना रखा है, इतना सुंदर बना रखा है, पूरा फूलों का है। कंडीशन ये है कि अंदर घुसने पर ना आपको एक बंदे को एक डिश मिनिमम ऑर्डर करनी पड़ेगी। भाई ये कितना खतरनाक बना रखा है, ऐसा खाना भी मिलता है यहाँ? एवरीथिंग रियल। सो भाई तीन परियां हैं, इनके साथ हमने फोटो तो भाई रोज सोचती हूँ एक चीज दिखाना। देखो यहीं पर ना ये वेज काउंटर है, वेज काउंटर पे इन्होंने चिकन टिक्का मसाला रखा हुआ है, ये देखो है ना। और भाई एक ही दाल बन रही है पिछले 7-6 दिन से, एक ही दाल है इंडियन वेज, बस आपको यही मिलेगा, चिकन टिक्का ही है। तो लेकर आई हूँ मैं ये, पहले खाऊंगी। ये मेरे राइस कुक क्योंकि हैं बहुत अच्छे नहीं है, ये खा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। एक्चुअली जिस होटल में हमने स्टे किया था वहाँ मुझे एक फीमेल मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना इन लेडी के पास चले जाओ और ये ना सबसे चीप सबसे सस्ती टिकट बुक आपको करके देगी अगर आपको कहीं भी जाना है। इवन कार भी आपको यहाँ कम दामों में मिल जाएगी। तो हमने भी बुक कर ली आंटी के थ्रू यहाँ से मिनी वैन और हम जा रहे हैं ओल्ड फुकेट। सो भैया को पैसे हमने दे दिए, ये आ गया भैया ओल्ड फुकेट। घुसते ही दिखे बनाना कवर है, बहुत कूल से एकदम सॉफ्ट स्टफ है, बट ये है कि इसमें बनाना पिचक ही जाएगा। ये देखो कितने कूल कूल लग रहे हैं भाई, प्राइस लिखा होगा, कितने यूनिक लग रहे हैं और शिप्पी से बने हुए देखो, 450 बात का नहीं, ये भी तो छुआ था भाई। ये गली में तो फील आ रही, कैसा लग रहा है सिटी? बहुत अच्छा लग रहा है, वेनिस में या यूरोप में है। अब ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ और आना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवल किया। मम्मी फर्स्ट टाइम यहाँ पर करंट लगा। ओके, तो यहाँ पे मेन्यू चेक किया जा रहा है। अरे गोगो गोलगप्पे बहुत, इन लोगों का हाल यहाँ, इन क्रेविंग हो रही है, चाय पी रहे हैं, चाय ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। पीछे देखो। सो भाई जब लास्ट टाइम हम फुकेट में रुके थे ना, तो हम हमेशा अमृतसरी पे जाते थे क्योंकि इनको ये मिल जाता था खेलने के लिए। तो वापस अभी हम यहाँ अमृतसरी पे आए हैं और ये अपना सारे बिजी हो गए हैं वापस। हमें ऐसा लग रहा है कि धुआं आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो है जो आंखों में उछल कर रहा है। साइज छोटा हो सकता है, जगह बहुत महंगी होगी ना, कम साइज में बनाया हुआ, बहुत बढ़िया। ये देखो बस इतना ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना रेट्स बताया करो, अगर हमें जाना पड़ा तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक तो नहीं लगता खाने का बार बार रेट बताना, बट आप लोगों के लिए मुझे बताना होगा। सो यहाँ पे मुझे समोसा पड़ा है 30 भात का, यानी कि इंडियन करेंसी में 75 का, और नूडल्स पड़ी है 220 भात की, यानी कि इंडियन करेंसी में आप लगा लो 220 और 110 समवेयर 550 रुपए की। क्वांटिटी लेस होती है, इट इज टू कॉस्टली यार। जो चाउमीन हमें हमारे यहाँ पे 150 में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, वो यहाँ 550 रुपए की मिल रही है। सो भाई तीन परियां हैं, इनके साथ हमने फोटो क्लिक कराया, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये पूरा है, बट ये वाली जो स्ट्रीट थी ना वो तो बहुत सही तरह से दिखता है, ये ओल्ड फुकेट है ना। और दूसरा मैं आपको बताऊं गाइस, कहूंगी कि यहाँ पे ना पूरी नाइट लाइफ ही होगी यार, दिन के टाइम पे ना लोग निकलते ही नहीं होंगे, वैसे तो सब कुछ खुला हुआ है, बट यार जो रात के टाइम पे वाइब होती होगी ना वो बिल्कुल अलग होती होगी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजा आता होगा, क्योंकि लाइट्स वाइट इस तरह से लगी हुई है, यहाँ लाइटें जलती होंगी, कैफे खुलते होंगे, रोड पे का लगी रौनक होती होगी भाई, गजब, बहुत नेक्स्ट लेवल है। और अब ऐसा लग रहा है ज्यादा आना चाहिए, दिस इज रियल, एवरीथिंग रियल। ओ भाई, ओ भाई, इनकी चौमिन ना थोड़ी नमक वाली बन के आ गई थी, फिर बंदे को बोला तो बोला कि मैं तुम्हें एक और पैक करके दे दूंगा, इसने कहा हम रास्ते में कहाँ खाएंगे, फिर उसने चेंज करी। अब ठीक बन के आई थी चौमिन? नहीं है स्वीटी, नहीं ठीक थी। हाँ मेरे हिसाब से उसने उसी में मिक्स कर दी। कैप भी डाल रखी है, चश्मा भी लगा रखा है, फिर भी पूरा मुंह जल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ही ज्यादा। और ये देखो यहाँ पे ना मसाज के रेट भी बहुत ज्यादा है ना, बट फिर भी भरा रहेगा भाई, जिसको जहाँ करानी है वो वहीं कराएगा। अंदर खाना भी वही लाते हैं। अरे यार तो यही खा लेंगे, नो व्हीकल अलाउड, नो आउटसाइड फूड एंड ड्रिंक अलाउड, अ मिनिमम वन ड्रिंक पर विजिट इज रिक्वायर्ड। तो भाई ये कैफे है, मस्त कैफे है अंदर है ना, ये देखो निम्बस की रियल झाड़ू है, क्या बात है। 2000 लिमिटेड 10,000 पीसेस वर्ल्ड वाइड, द हैंडमेड मास्टर पीसेस नंबर 10,000 में से ये 1500। देखो भाई क्या 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 चीजें है खाने यहाँ पे, मेनू कार्ड देख के आ जाए भाई। मैंने ना अंदर कैमरा भी ऑन किया था,
है ना, अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, इस तरह के दो चार बूट ऊपर लटका रखे हैं। तो बोला आप पहले फोटो नहीं ले सकते हो, पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद आराम से बैठो और फोटो वोटो ले लो। भाई ऐसी नॉर्मल प्लस्तर की दीवार थी, ऊपर 8-10 बूट थे, टांग रखे थे। पंकज को ऐसा लगा था कि अपना ऑर्डर देने के लिए वेटर वेटर सब उसी तरह के कॉस्ट्यूम में आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ओके ओके, चाय तक भी 125 भात की थी और स्मूथी थी मिनिमम 160 भात की, तो वेस्ट ही है यार, जबरदस्ती वाली बात है। बच्चों का भी लगेगा मजा आएगा इसे भी। अंग्रेज अंग्रेज बैठे सारे सेवन इलेवन से बिल आया 129 भात, 4 भात का डिस्काउंट मिल गया आई गेस। 85 भात के एप्पल है, 16-16 48 की कोल्ड ड्रिंक है, पता नहीं कितना है, 133 भात 129 भात पे करना है, 4 भात का डिस्काउंट है। भाई छोटा सा पंखा बड़ा काम का है, टाका रोन लिया, लाड वन एक दिन टेन सिक्स टेन लास्ट यू कम हियर सिक्स बेटर। हाउ मच टाइम इट टेक्स, टाइम 30 मिनट। तो भाई मैंने टाइम पता कर लिया, 6:10 की लास्ट बस है और 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। भाई सारे फॉरेनर बैठे हैं, सही है। व्हाट इज दिस भाई, ये डक का मीट है, देखो कैसे मार्केट आ गई हुई है। राइस और मैंगो का बड़ा चलन है, और देखो साथ में ना थोड़ा ये वो भी रखा है, तिल रखे पन्नी के अंदर। आंटी बेच रही है, ओल्ड एज में भी काम करते हैं। हाउ मच, 50 भात, 60 भात, चावल है, ये चावल और आम बेच रही है। एटीवी फॉर द बिग गुड्डा, हाउ मच बिग गुड्डा डन, एटीवी हाउ मच, एटीवी हाउ मच, आई एम नॉट श्योर फॉर द। आ जा बेटा, यूनिफॉर्म की शॉप है, देखो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म की शॉप पर है, यहाँ पे शूज में ना कितने प्यारे प्यारे कार्टून बने हुए हैं, और ये देखो कितने प्यारे प्यारे कार्टून बने हुए हैं। भाई ये क्रोकोडाइल फार्म है, 600 भात की टिकट है एक बंदे की। चलो आ जाओ, थाई स्पेशल ऑटो, थाईलैंड के एक्चुअल ऑटो ऐसे ही होते हैं, देखो कितने कूल लग रहे हैं। भाई यार आंखों को वो तसल्ली मिल रही है रोड में घूम के, क्या बताऊं यार, ऐसा लग रहा है कौन सी जगह आ गई, कहीं यूरोप की कंट्री आ गई, इतना साफ ऐसा लग रहा है, रोड पे पोचा लगा हुआ है। और कमाल की बात पता क्या है यार, यहाँ पे ना कोई भी हॉर्नबाजी नहीं करता है, तो रोड पे ना चलने में मजा आ जाता है, भीड़ होने के बाद भी। देखो पूरा रोड भरा पड़ा है, पर ना कोई शोर नहीं है, कोई चार नहीं है, एकदम मस्त लग रहा है। ये देखो भाई लोग इंजॉय मारते, चिल देखो, इधर से बहुत ही ज्यादा प्यार होगा। सारी थीम ना ब्लू कलर की, इनफैक्ट टाइल भी ब्लू कलर की लगाई हुई है, सब कुछ ब्लू। हाँ केन के अंदर क्या बनाया हुआ, ऑटो बनाया हुआ केन के अंदर, है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए उसी कैन के अंदर देखिए भी एक ऑटो बनाया हुआ है ना, कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए लेवल की चिल सी बना रखी है, ये भी कलाकारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आर्ट है ये, तरह कितना बढ़िया लग रहा है। भाई देखो बकरी है अंदर, डायपर पहना रखा है बकरी को, और लिखा हुआ है भाई, मेरे को लग रहा था पहले बकरी क्यों बांधी हुई, मुझे समझ आया बकरी इसलिए बांधी है। देखो ये सारे ना गोल्ड गोल्ड गोट मिल्क बने साबुन है, देखो है ना, ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट से बनी चीजें हैं और बिल्कुल प्योर ऐसा है बता रहे है ना। और यहाँ पे मैंने फेस सीरम देखे, बहुत सारी चीजें देखी, देखो 390 भात का ये ऑर्गेनिक पर्स, नाम जाने क्या क्या चीजें है, देखो पर्स है, देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक बना हुआ है ना, सीरम है, परफ्यूम्स है, बहुत सारी चीजें, बट सब ऑर्गेनिक है और कोई डिस्काउंट नहीं है। मुझे अपने साथ प्लीज इंडिया लेके चलो, मुझे डायपर में नहीं रहना, मुझे आजादी पसंद है, खुले में करना पसंद है, ले चलो ना। देखो अब तो मैं दहलीज भी पार करके बाहर आ गई। भाई रास्ते में कहा वॉशरूम एक जगह है बड़ा ही कमाल का, ये देखो ये क्या क्या चीजें यहाँ पे, देखो बाथरूम तो पूछ ले पहले कहाँ है, ऊपर उसके पास ही देखो कितनी सारी तोहफा, देख पीछे देखो भाई कितना यूनिक टाइप का कैफे है ये, कुछ अलग ही है। रिधान से एक चीज आएगी राइट में, देखियो राइट में देखियो भाई, ये इंडियन अटायर डाल रखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ क्या ये
देखा ना भाई ये कितना खतरनाक बना रखा है। ऐसा खाना भी मिलता है यहाँ पर? इतना सफाई से बना रहे हैं खाना भी। थैंक यू। कोई ये रियल है ना? हाँ रियल पीकॉक है भाई। इतनी सारी यूनिक यूनिक चीजें हैं, देखो ये देखो। वाओ भाई ये कैफे बना रखा है, इतना सुंदर बना रखा है, पूरा फूलों का है ना। बट यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ, कंडीशन ये है कि अंदर घुसने पर ना आपको एक बंदे को एक डिश मिनिमम ऑर्डर करनी पड़ेगी है ना। और भाई 200-300 भात से तो कुछ भी कम नहीं है, और नॉनवेज ज्यादा है। अब हम लोग वेज है तो हमको क्या ऑर्डर करेंगे समझ नहीं आ रहा है ना। बट जाना अंदर जरूर है क्योंकि कैफे बहुत ही ब्यूटीफुल है, और दोबारा पता नहीं कब आना होगा, कब नहीं होगा। केक वगैरह कर ले 20 रुपए वाला। नो 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 नो। डू यू हैव एनी स्पेशल वेज मेन्यू? वेज ओनली ड्रिंक। ओनली ड्रिंक? यस। सो भाई ओनली ड्रिंक है वेज में? नारियल भी है तो देखो भाई नारियल भी इतना ही महंगा मिल रहा है थाईलैंड में, 250 रुपए का। वाटर मेलन स्मूथी भी है, ऑरेंज भी है। मैं दोनों फ्रेंच फ्राइज लेके दे दूंगी। क्या हमारा तुम देखो, तुम चार हम तो दो एक और बुक लेते ना, देख लो उसको खत्म कर दे। नो कंडीशन फॉर द केक्स ना? अरे वो बोल नहीं रही है, तू पूछ के वो लगवा दे। अब ये है, वी हैव एग। मैं बता रही एग है, इसको समझ नहीं आ रहा है। तो बोल नहीं रही ना, और बोले छे। यू हैव टू ऑर्डर मेन ऑर्डर फर्स्ट एंड देन ऑर्डर टॉपिंग। ओके मेन ऑर्डर भी इज मेन ऑर्डर। 8 कर दें, 8 तो 8 तो 4 हमारा, उसकी टेंशन का जरूर है हमारे से। 200 बाकी अच्छी है, 150। भाई बंदी बड़ी स्ट्रिक्ट है, हमने बोला ये शेयर करेगा तो इसका भी उन्होंने पूरा ही लिया है। और कमाल की बात ये है, खड़े खड़े ही आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। 500 कितने? 88 ले भाई। टेबल नंबर 8। ओके ओ भाई, तो पूरा फूलों का महका हुआ है यार, कुछ अलग ही अलग भाई, पूरे फूल फूल फूल। हाँ भाई, एक टाइम में एक ही बंदा बैठ सकता है, और 10,000 भात फाइन है अगर टूट गया तो। सो भाई आ गए फ्रेंच फ्राइज, कोई भी चीज 150 भात से कम नहीं है। आ जाओ इधर शाजा, जा स्वीटी इसको ले जा, इसको लेके जाएगी, अकेले जाएगी। भैया कह रहे हैं आज गलत आ गए हो, कल आ जाते तो बिग मार्केट होती है। इट्स रात में होती है, रात नाइट मार्केट, कैट नाइट मार्केट, चीप चीप थिंग्स, वेरी चीप। ओहो, एवरीथिंग, ईटिंग एवरीथिंग, ईटिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग, वी कैन नॉट कचोर, एवरीथिंग फूड वी कैन नॉट ईट, वी आर एवरीथिंग फूड कचोर, एवरीथिंग फूड, एवरीथिंग एवरीथिंग चीप। यार ओहो, अब बैड लक सेट द बैंकॉक जतु चक लाइक गो कार्ट यू टेल मी। ओके, गो कार्ट इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। तो भैया इस तरह की आप स्नेक शो देख लो, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले लूंगा क्योंकि ये ऑन द वे पड़ता है और आज मुझ पर सवाल भी। तो यहाँ से देखो मैं आ रही हूँ, अब ये मेरे को पक्का पता है रोकेंगे ही। ओ भाई सांप दिखाई दे रहा है मेरे को, कितना बड़ा सा है ना। बोल रहे हैं बंद हो गया है, आपका स्टाफ जा चुका है और आपके लिए अंदर जाना डेंजरस है। सो भैया ना हमें लेके चला गया स्नेक शो दिखाने, फ्री 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 कर रहा, फ्री फ्री। अब हमने सोचा सब कुछ फ्री होगा, वहां जाके पता चला वैसे तो वो बंद ही हो गया था, बाद में बोल रहे हैं कि 500 भात का यार, मतलब इनके कमीशन होते हैं, फिर हमें फोर्स कर रहे हैं एलिफेंट राइड कर लो क्योंकि हर चीज पे कमीशन होता है। भाई यार सांप का 500 भात देखना तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, और अगर वो खुला होता तब भी मैं नहीं देखती है ना। दिमाग दिखाया भैया ने, हमें ऐसा लगा कि यार कितने अच्छे हैं, मतलब हमें लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं। पर बाद में पता चलता है भाई, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। सो अब हम पहुंच चुके हैं फिलहाल और जा रहे हैं रूम की तरफ। दोनों बच्चा पार्टी सो गए थे, वो भी सो गया है, थक गए हैं सारे है ना। यस, सबने इनके लिए सजेस्ट करा है, तो अभी इन्होंने एयरपोर्ट के लिए हमको बताया है 900 भात, और हम आए थे एयरपोर्ट से है। भाई डर गए हम तो, क्या ये तो वो है कच्चा कच्चा, अरे मैंने खरीद लिए। हाउ मच इज इट टेस्टी? भाई ये भुने हुए मेंढक मेरे को दिखाई दिए हैं, बंदी टेस्ट करके दिखा रही है। शुद्ध भाषा में कहूँ तो मेरे लिए बहुत घिनावना इंसिडेंट था, मेरे ही सामने इस बंदी ने मेंढकों को ऐसे चबाया जैसे कि कोई च्युइंगम चबा रहा है। खैर इसके मेंढकों को चबाने का पूरा इंसिडेंट मैंने रिकॉर्ड किया है गाइस, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके आई बटन पे क्लिक करो और पूरा वीडियो देखो। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, अगर इसी तरह आप लोग मुझे प्यार एंड सपोर्ट करते रहना तो जल्दी मैं आप लोगों के लिए सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करूंगी। अच्छा चलो ये बताओ कि कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरी सोलो ट्रैवलिंग देखने के लिए।